हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, गरीब लड़की और महिलाओं की मदद के लिए आगे रहना, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना, गरीब कन्याओं की शादी करवाना, इतना ही नहीं खुद अपनी बेटी को भी दूसरों की मदद के लिए कहना, कुछ ऐसे ही विचार रखती हैं पानीपत की समाज सेविका उर्वशी गोयल, जो कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने ना सिर्फ कोरोना के दौरान लोगों की मदद की बल्कि अब भी वो और उनकी संस्था मिलकर सबकी मदद करती हैं। कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, ऐसे में हमारे क्लब की तरफ से, हमारे फाउंडेशन की तरफ से जो है हमने लोगों के घर घर जाके उनकी मदद करी। सबसे पहले हमने शुरुआत करी उनको राशन देकर, फिर उसके बाद हमने अपने आप ही जो है मास्क जो है स्टिच करवाए, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों में सैनिटाइज़र बांटा और जहाँ जहाँ भी उनको राशन की और बना हुआ खाना भी हमने प्रोवाइड किया, गौशाला में भी और यहाँ तक कि जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनको भी हमने जो है जा जा के खाना प्रोवाइड कराया। साथ ही हमने छाजपुर और कुराड़ गांव से गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से जो है कुछ लड़कियों को गोद लिया, माही फाउंडेशन के द्वारा लायनेस क्लब के थ्रू और जितने भी मतलब पानीपत में संस्थाएं हैं उनको अपने साथ जोड़ा और उनको लड़कियों को जिन जिन को मदद की ज़रूरत थी उनको हमने सारा सामान प्रोवाइड किया, उनको मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के ऊपर सब कुछ बताया और जिसकी जानकारी उनको नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, और मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के साथ साथ हमने उनको हाइजीन के बारे में बताया, उनको हाइजीन किट भी प्रोवाइड कराई और पर मंथ हम जो है उनको पैड्स प्रोवाइड कराते हैं। उर्वशी गोयल बताती हैं उन्होंने महिलाओं को ई रिक्शा दिलवाई ताकि वो भी अपना परिवार चला सके, साथ ही संस्था से जुड़ी सभी सदस्यों द्वारा एक एक बेटी गोद ली गई है। उर्वशी गोयल द्वारा भी एक बेटी को गोद लिया गया है जिसका पूरा खर्चा वो देती है। हमारे पास किस्सा आया था कि उनके घर में कोई भी जो नहीं था, कोई नहीं था तो उनको हमने ई रिक्शा, लेडीज़ थी उसको ई रिक्शा भी प्रोवाइड कराई क्लब के थ्रू और सिलाई सेंटर में लड़कियों को सिलाइयाँ भी सिखाई है और मैं सुबह जो है अपना ब्रेकफास्ट का काम फिनिश करके और जब हमारा ज़्यादातर टाइम जो है 11 बजे का होता था उस टाइम मुझे निकलना होता था तो उस टाइम मैं अपना लंच भी बना के जाती थी क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने के बाद कितना समय लग जाए ये पता नहीं चलता, तो उसके लिए मुझे बहुत जल्दी मैं अर्ली मॉर्निंग उठती थी और उसके लिए मैं जो है पहले ब्रेकफास्ट सबको दे के उसके बाद लंच भी अपना पूरा प्रिपेयर करके कि पीछे से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को भी परेशानी ना हो, क्योंकि देखो समाज की जिम्मेदारी तो है ही, परिवार पहले है, परिवार की भी जिम्मेदारी है, उसके बाद ही हम समाज के दायित्व को संभाल सकते हैं। जब परिवार हमारे साथ हमारी मदद करता है तो हमें परिवार का भी ध्यान रखते हुए तो समाज की सेवा कर सकते हैं हम, तो इसीलिए तो मैं अपना सारा काम समय पे फिनिश करके और फिर जब है जाती थी, हमें वहाँ से आने में 4-4 भी बज जाते थे, 5 भी बज जाते थे तो, पर लेकिन ऐसे में मेरे परिवार ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने कभी ऐसे शिकायत नहीं की कि मम्मी आप हमारे पास नहीं थे, उन्होंने जैसे भी मैनेज किया अपने आप उन्होंने पूरा मैनेज किया, हस्बैंड ने, बच्चों ने इसमें मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उर्वशी गोयल की बेटी कहती हैं कि उन्हें भी अपनी माँ के साथ लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। लॉकडाउन में जब मैंने देखा कि मेरी मम्मी जगह जगह पे जाके, गांवों में जाके लोगों की हेल्प कर रही है, उन्हें जो भी ज़रूरत का सामान चाहिए वो दे रही है, उन्होंने कई चीज़ें बांटी जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, खाने पीने की जो भी चीज़ें, उनको फ्रूट्स दिए और न्यूट्रिशन के लिए एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह सब दी। जब मैंने देखा कि वो इतना अच्छा काम कर रही है, मैं घर पे होती थी, मैं मम्मी के साथ गई और मैंने देखा वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनको कैसे कोरोना के टाइम पे उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, उन्होंने सारा उनके साथ मैं मिलकर सामान दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो हमें डर भी लगता था हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कोरोना के बीच में, लेकिन उनकी हेल्प करके हमें अच्छा लगा और मुझे अपने मम्मी पे गर्व है कि उन्होंने घर भी संभाला और अपनी जिम्मेदारी भी संभाली जो उनको करनी चाहिए लोगों की हेल्प। उर्वशी गोयल समाज सेविका के साथ साथ एक अच्छी माँ और पत्नी भी हैं, जिन्होंने कोरोना के दौरान घर को भी समय दिया और लोगों की मदद भी की, तो ऐसी कोरोना योद्धा को वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करता है कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से।